सऊदी अरब समेत आज खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा, मस्जिद नबवी और मस्जिद उल हराम में नमाजें, ईद के रूह परवर मनाजिर तवाफ़ ज़ियारत के बाद हिजाज रात मना में गुजारेंगे। हिरोइन केस में एएनएफ के किरदार पर आर्मी चीफ से शिकायत की राना सनाउल्लाह, मुझ पर 15 किलो हिरोइन का जाल, ही केस डालने में इमरान खान, शहजाद अकबर और साबिक DGNAF मेजर जनरल आरिफ मलिक मुलाविस ने वफाकी वजीर दाखिला। एहसन इकबाल को रेस्टोरेंट में देखकर इमरान खान के हामियों की लीगी रहनुमा के खिलाफ नारेबाजी, खातिन ने उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाना शुरू किए और बाद हजार इसमें दीगर अफराद भी शामिल हो गए। मरी में आने वाले सियाहों के लिए इंकलाबी इकदाम, ईद पर 15 बसें चलाने का फैसला, बस सर्विस ईद उज़ुहा के मौके पर 3 दिन के लिए चलेगी। कोरोना के वार तेज, मजीद 7 जाने निकल गए, 732 नए केसेस रिपोर्ट। कौमी अदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.24% रही, इस दौरान 22,568 कोरोना टेस्ट किए गए। और मुल्क के अक्सर इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई, सिंध और बलोचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NDMA ने बारिश में इंतजामी इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए, बारिशों का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रह सकता है।